हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे किचन का जो स्लैब है उसे तोड़ा जा चुका है और बस अब इसमें रोड जो यूज़ किया गया था वही बचा हुआ है और भैया इसे भी काट कर निकाल देंगे। तो हमने स्लैब इसलिए तोड़वाया क्योंकि ये जो स्लैब का चौड़ाई था वो कम था, जितना होना चाहिए था उतना ना हो करके उससे थोड़ा कम था। तो जब हम लोग अभी काम चल ही रहा है तो फिर ऐसे ही रखना और फिर उसको बाद में दिक्कत होता, तो इससे अच्छा हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको तोड़वा ही दिया जाए। और पहले जो स्लैब बना था वो सीमेंट और जो उसमें यूज किया जाता है क्या क्या रोड वगैरह वो सबसे बना था, लेकिन इस बार जो स्लैब बनेगा वो कड़प्पा और ग्रेनाइट यूज करके बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि अब ये जो ग्रिल है उसे भी ये रोड को काटा जा रहा है, लोहे को काटा जा रहा है ताकि यहाँ फिर से दूसरा स्लैब बनाया जा सके। और मैं आगे भी दिखाऊंगी कि कैसा स्लैब हम लोग का बनेगा और उसका चौड़ाई जो है वो पहले वाले से थोड़ा सा चौड़ा रखा जाएगा ताकि हम लोगों को सामान रखने में दिक्कत ना हो और खाना बनाने में भी दिक्कत ना। और ये जो स्लैब है वो उसमें अभी सिर्फ कड़प्पा यूज किया गया है और नीचे जो है वो ग्रेनाइट रखा हुआ है। और वाश बेसिन जो है वो हम लोगों ने चेंज करवा दिया क्योंकि पहले वाला जो बेसिन था वो थोड़ा सा साइज़ में इससे छोटा था और इसका जो साइज़ है वो उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम लोगों ने चेंज करके दूसरा लगा दिया है। और अभी फ्लोर का जो काम है वो बाकी ही है, टाइल्स वगैरह लगना बाकी है, फिर वॉल में भी टाइल्स वगैरह लगना बाकी है, अभी आधा ही काम हुआ है। और ये जो कड़प्पा यूज किया गया ये मुझे काफ़ी पतला लग रहा था, पर बैठ जाने के बाद ये शायद चौड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, इसका जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। और नीचे टाइल्स देखिए, ये मैं पसंद की हूँ क्योंकि मुझे वुडन टेक्सचर बहुत पसंद आता है, मुझे मैट नहीं पसंद आता है क्योंकि वो ज़्यादा स्लिपरी नहीं होता, वो स्लिप नहीं करता ज़्यादा। और ग्लोसी आप कहीं और लगा सकते हो, बट बाथरूम और किचन के लिए ग्लोसी लगवाना उतना सही नहीं रहता मेरे अनुसार, तो इसलिए मैंने यही वाला